पोलर कैरेक्टर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। जैसा कि हमने पहले देखा था इलेक्ट्रोवलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवलेंट बॉन्ड में तो पोलर कैरेक्टर रहते ही है क्योंकि एक पॉजिटिव वैलेंस है और एक सी एल, क्योंकि इतने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया है और इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, इसमें ये एटम एक पॉजिटिव आयन बदल गया और ये नेगेटिव है, इसलिए इसमें से एक पार्ट पॉजिटिव है एक पार्ट नेगेटिव है, इसलिए ये तो क्लियरली पोलर नेचर का होता है, एक भाग पॉजिटिव है एक भाग नेगेटिव है। बट यदि हम टॉक करें किसके बारे में, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि कोवलेंट बॉन्ड में पोलर कैरेक्टर कैसे पैदा हो जाता है, जबकि यहाँ तो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई होती है। जैसे हम बात करें एस सी एल के बनने की, एच और सी एल, ये भी ये एक कोवलेंट कंपाउंड है, एस सी एल और ये इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड है, ये आयनिक कंपाउंड है, ये कोवलेंट कंपाउंड है, लेकिन इसमें भी आपको पोलर कैरेक्टर देखने को मिलेगा। वो कैसे है देखें जरा, इसमें जो बॉन्डिंग होती है, जो एक इलेक्ट्रॉन का जो साझा हुआ होता है, जो बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन आए हैं, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा होती है, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, इन दिस केस द शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट्स टुवर्ड्स क्लोरीन, एंड बिकॉज ऑफ दिस द हाइड्रोजन गेट्स पार्शियली पॉजिटिव चार्ज एंड chlorine gets partially negative charge, and because of this this whole molecule gets polarized, ye polarized ho jata hai, iska ek bhag dhanatmak ho jata hai aur ek bhag ridhanatmak ho jata hai, ye nirbhar karta hai inke beech mein electronegativity ka kitna difference hai। ये नेचर डिसाइड करने के लिए मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, हम कैसे पहचाने कि कोवलेंट बॉन्ड जो है उसमें पोलर नेचर रहेगा। जैसे मान के चलिए अगर सेम कैरेक्टर, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन के साथ क्लोरीन सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है और Cl2 का फॉर्मेशन होता है। अब इससे जो कंपाउंड बना है, कंपाउंड नहीं एक एलिमेंट है और इसका मॉलिक्यूल बना है, इसमें क्या होगा कि ये दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है, वो जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है ये किसी की तरफ शिफ्ट नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन, दोनों क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। जो कि आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझने के लिए, जो कि हमने बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, पावर ऑफ अट्रैक्टिंग शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब वह सामर्थ्य जिसके द्वारा कोई भी परमाणु जब साझा किए हुए इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, उस सामर्थ्य को, उस ताकत को, उस इलेक्ट्रॉन, उस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ये साझिक इलेक्ट्रॉनों को जो सेम, जिन दोनों की पावर एक, क्योंकि एक से है, एक ही एटम है, एक से एटम है, इसलिए इन दोनों की पावर सेम होगी, इसलिए जो साझे का इलेक्ट्रॉन है वो किसी की तरफ नहीं जाएगा, इसलिए इसमें पोलर नेचर पैदा नहीं होगा, ये पूरी तरह कोवलेंट कंपाउंड रहेगा। लेकिन जो अलग अलग एलिमेंट से के एटम से मिलकर बनेंगे, जैसे उदाहरण के लिए HCl अभी दिया मैंने, या HBr, ये हैलोजन ग्रुप का मेंबर, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो स्वाभाविक है यहाँ पर इसमें माइनस और इस पर पार्शियली पॉजिटिव, इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब इसको लिमिट, इसकी लिमिटेशन समझने के लिए अगला पॉइंट है लिमिटेशंस ऑफ पोलर नेचर, जो कि आपकी बुक में यहाँ पर दिया है अगला लिमिटेशन ऑफ पोलर नेचर। इसका सीधी सी बात है, इनके बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझना पड़ता है। जैसे कि फ्लोरीन पूरे 118 एलिमेंट जो कि पीरियोडिक टेबल में दिए हुए हैं, 118, इनमें इनके सभी के आपस में एक दूसरे के सापेक्ष, एक दूसरे के कंपैरिजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को तय किया गया है, उसमें सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव जो कंपाउंड एलिमेंट है वो फ्लोरीन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को 4 माना गया है, और इसके कंपैरिजन इसके साथ जब बॉन्डिंग होके जब देखा, जैसे मान के चलिए जितने पावर से ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है उससे अगर कोई आधे के बराबर खींच रहा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 मानी जाएगी। इसी के आधार पर यहाँ पर जैसे हम फ्लोरीन की 4 मानी गई है
और है मतलब इसको इसी के सापेक्ष इसी को मानक मान के अन्य की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाली जाती है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब बात आती है जैसे हम यहाँ पर देखें सोडियम, सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 जो कि पीरियोडिक टेबल में आप पहले देख सकते हैं। अब इन दोनों के बीच का अंतर अगर ये दोनों बॉन्ड बनाते हैं जैसे Na सोडियम फ्लोराइड, तो इन दोनों के बीच के बॉन्ड में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर है वो कितना आएगा 3। इस स्थिति में इसी के बेस पर ये टेबल बनी हुई है, इसमें ये अंतर और उसी के बाद आधार पर उन्होंने कैरेक्टर दिया है। अगर ये 0.1 0.1 का अंतर है तो उसमें आयनिक कैरेक्टर होगा 0.1%, यदि उन दोनों के बीच में 1.6 का अंतर है तो उसमें आयनिक कैरेक्टर होगा 47%। मतलब वो अभी भी 47% का मतलब है वो जो कंपाउंड है वो कोवेलेंट कंपाउंड ही कहलाएगा। लेकिन अगर ये अंतर 1.7 से ऊपर चला गया, कितना 1.7, तो 1.7 इससे ज्यादा अगर ये अंतर पहुंच गया तो 1.7 ये जो अंतर जैसे इन दोनों बीच में अगर ये 1.7 पे आ गया मतलब अब उसमें जो है आयनिक कैरेक्टर हो जाएगा, उसमें 51% आयनिक कैरेक्टर हो जाएगा। अब मतलब वो जो बॉन्ड है जैसे इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना था ये इस तरह से NaCl के बीच में जो बॉन्ड बनता है यहाँ पर भी इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो अंतर है वो 1.7 से अधिक है या 1.7 है। उस स्थिति में अब ये कोवेलेंट कैरेक्टर छोड़ के आयनिक कैरेक्टर या आयनिक कंपाउंड बन जाएगा। उसमें क्या होगा जो साजिक इलेक्ट्रॉन वो पूरी तरह जैसे यहाँ पर NaCl इसमें जो पूरी तरह इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं शिफ्ट हो जाएंगे Cl पर, इसमें पूरी तरह माइनस चार्ज हो जाएगा और इसमें पूरी तरह पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब ये पार्शियली चार्ज जो आ रहा था वो नहीं रहेगा और इस तरह से जो कोवेलेंट कंपाउंड है वो आयनिक कंपाउंड कहलाने लगेगा। तो जब तक ये परसेंट 51 से नीचे है, 50 से नीचे है, 47 तक 1.6 का अंतर है वो कंपाउंड इलेक्ट्रो वो कोवेलेंट कंपाउंड कहलाएंगे।